बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। पंचायत घर बन गया है, काम शुरू हो गया था, इतना हो गया है काम, पूरा हॉल बन रहा है। चलो नीचे, चलो चलो, गर्मी लग रही है नीचे, चलो नीचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग कनक फैमिली एंड व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है और मैं और कनक उठे हुए हैं 5:30 बजे के, आज 5:30 बजे उठे थे और अभी टाइम हो रही, तो बस अब हम भी नहाएंगे और कनक को नहलाऊंगी मैं, फिर मैं भी नहाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने कनक को नहला दिया है और नहला धुला के तैयार भी कर दिया है और उसके लिए बनाया मैंने ये दूध का दलिया, तो दूध वाला दलिया बनाया उसको, नहा के भूख लगती है ना, तो आज के लिए थे नहीं तो मैंने उसके लिए दलिया बना दिया है, तो दूध का दलिया खिला के उसको फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। बाबू आ जा, ड्रामे कर रही है, खाने के टाइम पे हर टाइम भी ये ड्रामे करती है। आओ इधर बैठो, यहाँ पे नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। नहीं नीचे, फिर थप्पड़ मार दूंगी मैं, सच बोल रही हूँ मैं। अच्छा ले चीजी, ले अच्छा ले 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 ले, खाने का नहीं खाएगा है, नहीं खाएगा खाना, बताओ अभी। पिट्टू करू, पिट्टू करू, पिट्टू करू, छेलेगी। आजा खाओ लो मेरे बच्चा, उठ के खाओ, उठ के चलो, उठ के खाओ। ले पकड़, आ मैम, आंखें बंद करके खा रही है, जैसे नहीं पता नहीं क्या खिला रही है उसको कड़वा में, जबकि मीठा दलिया बना है फिर भी ड्रामे कर रही है। देख देख देख, ड्रामे देख, ड्रामे ड्रामे देखो, ड्रामे ड्रामे देखो। आ आ तो फ्रेंड्स ये हमारे गांव में आए थे खेल दिखाने वाले भैया, पहले बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से खेल देखते थे पर अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत सालों बाद मैंने ये खेल देखा है। तो इन्होंने एक टायर के टुकड़े को साफ बना दिया था और आगे इस तरह आप देख भी सकते हो साफ, ऐसे करके देखना सभी चाचा ताऊ मावे लोग, ए देखो अगर खेल में गुंगा है तो सर को हिला देगा और तुम्हें भगवान ने दबान दिए तो मुझसे बोलना, चाचे बोलो बोलो अगर से टायर को बोलो अगर हम आपके मोहल्ले में छोड़ जाए और इसको छोड़ के हम अपने घर चले जाए, सभी मावे लोग सच्चे बोलना, क्या इसमें जान पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। अब तुम सोचोगे मदारी डालेगा तो भाई मदारी का बाप आ जाए तो वो भी नहीं डालेगा, डालेंगे कौन मेरे बाबा, देखो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो काम धंधा मगर हमने नहीं कराए, हमने 11 महीने खोकर बंगाल में रहकर किसी बाबा की थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त,
भैया करिए बोलो हम इस टायर पे नंबर बोले चार और चार का हो जाए चमत्कार। बोलिए टायर आपको जबकि गायब हो जाए माता रानी के मंदिर पे जाए। बोल 10 मिनट के लिए बाबा भोलेनाथ का रूप आए। सभी चाचा ताऊ माँ बहन भैया लोगों को सबको भोले बाबा के दर्शन हो। दो चार का भला हो तो बोले खेल कैसा रहेगा। बोले तू दर्शन करेगा सब तो खड़ा हो। अब पकड़ बेटा हाँ फूक लगा जा मंगल भोलेनाथ बाबा धोखा नहीं देना। शिवाद की पूजा देते हैं हर सोमवार को जल बाबा कच्चा नारियल पूजा प्रसाद तेरे नाम से देते हैं बाबा भोलेनाथ धोखा नहीं देना। फूक लगा बोले क्या है तेरे हाथ में कह दो भोले बाबा कह दो आ जाओ दादी से काली काली महाकाली तेरा वचन न जाए खाली पीपल पे बजाए बारह हाथ की ताली। हमने दबा दिया था तू बच्चा ऐसे पकड़ ले। ये बोले क्या चीज है तेरे हाथ में बोले टायर हमें चेक कराओ कह दो आ जाए अपनी कसर भाई टायर गया और भोले बाबा कह दो दिखाओ कह दो चुर आओ आओ चुर आपको चेक कर टायर है के भोले बाबा तो तू पकड़े रहिए और दो बोले तब भी पकड़े रहिए तीन बोले टायर छोड़ के तू यहाँ पर आगे बैठ जाइए बोलने पर। और अगर हमने तीन बोल दिए और तीन बोले कि अगर तू बोला नहीं बैठा गया तो देख तभी भैया लोग दर्शन करो। रास्ते रास्ते जा रहे थे रास्ते कुछ विराम थे एक तरफ शमशान और एक तरफ कब्रस्तान थे। पैर के नीचे हड्डी आई हड्डी के दो व्याम थे हड्डी गति चलने वाले समल के चल हम भी कभी इंसान थे। जाइए बाबा भोलेनाथ करो करो बोले क्या उठा ली अब कुआ पढ़कर तीन बोलेंगे तुरंत खोल दिए। मगर देखो तीन बोलने से पहले एक बात ध्यान आ गई कह दो बता दो तुम्हारे मोहल्ले में एक भैया है वो बहुत देर से चुगली कर रहा है वो मुझे गाली नहीं दे रहा ना बुरा कह रहा है। वो ये कह रहे भाई मदारी ने टायर वाली थैली रख ली और भोले बाबा वाली दे दी तो मैं सिखा दिया और पढ़ा दिया। बोले मैंने तुझे कोई बात सिखाई क्या है तेरे हाथ में। बोले तूने हमारे झोले में कोई जानवर या कोई थैली देखी थी ऐसे नहीं तुम्हें मैं ऐसे करके दिखाऊंगा और सच बोलिए बेटा। बोले तूने हमारे झोले में बोल यही देखा था कि और कुछ ऐसे करके देखना मगर चुगली मत करना जिसको चुगली करना मुंह पे करना खेल के बाद मत करना। कहते हैं कि बेटा घर सुधर गए मोड़ सुधर गए मगर चुगल खुद नहीं सुधरे। भाई देखो मैंने क्या कही इंसान आप कोई से काम से जा रहे हो या कोई से काम से बैठे हो मेरे बाबा के दर्शन करके जाना। अगर तुम्हारा भला हो जाए दो अगरबत्ती भोले बाबा के नाम से लगाना मगर मन में या दिल में घमंड मत करना। कहते हैं बेटा पानी सोड़ता बुलबुला और उठकर फूल जाता है और जो किसी बाबा से घमंड करता है तो उसका घमंड जो करता बाबा श्री राम राम तो उसी का बनता है। एक बार प्रेम से जाकर लगाना सबका भला होगा। एक बार प्रेम से बोले बेटा बोले क्या छोड़ के गया क्या बंद करा था। बोलो तू देखेगा कि सब बैठ जाएंगे पहले तू चेक करिए अगर टायर होए तो टायर बताइए और भोले बाबा आ गए होए तो राम राम कर लिए और सबको बतला दिए। बच्चा बैठ जा बेटा बच्चा भाई गाली मत देना गाली कौन सी आप लोग इनको देखोगे और देखकर यही कहोगे मदारी ने टायर का बनाया सांप। अगर तुम सांप का लबाज कहोगे तो देखो लगेगी गाली। देखो सांप रखते योगी लोग दुखिया परेशानी आते औलाद कोटिया कचहरी खेती या किसानी घर में खुशी आती है आपके दिखाई नहीं पड़ती है। कोई बात सोच के जो आज चार कदम चल कर जो आज भोले बाबा को छू लेगा और माता ऐसे नहीं जोर से बोले नाम देवता की जरा जोर से करेंगे राम राम ऐसे करके देखना सब पिछड़ जाइए बाबा भोलेनाथ लगा दिया खाना और बांध दिया चौक जो अभी ले जाए। जाइए महाकाल बाबा जिस दुकान जिस मकान भोलेनाथ बाबा तेरे नाम से लगा दिया खाना अगर जिसको दिखेंगे नहीं तो हम उठा के दिखा देंगे ऐसे करके देखना सभी चाचा ताऊ।